हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त स्वमर, आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आ गया हूं मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर अवतार मैकेनिकल वर्क्स के फैक्ट्री विजिट पर। और इससे पहले आपने देखा होगा पेपर बैग मेकिंग मशीन्स के बारे में, और इस बार हम लोग बात करने वाले हैं रोटो ग्रेवियर मशीन्स के बारे में, जहाँ पर 8 कलर आप प्रिंटिंग कर सकते हो। साथ ही देखने वाले हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटीज के बारे में, वर्किंग के बारे में, और अगर आप डील करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप कैसे बिजनेस कर पाएंगे और साथ ही इनसे कैसे कॉन्टैक्ट। हेलो सर, कैसे हो? हाँ जी, फाइन। तो बताएंगे सर कंपनी के बारे में और अपने बारे में। कंपनी, जैसे आप जानते हैं, हमारी कंपनी अवतार मैकेनिकल वर्क्स, जो पिछले 50 साल से हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं 1970 से। तो अगर देखें तो हमारे पास जो सेल टैक्स नंबर है वो 1975 से है। मेरे फादर सरदार मान सिंह जी, उन्होंने ये यूनिट स्टार्ट किया था। इस यूनिट के, हमारी फैक्ट्री के फाउंडर वही हैं। तो हम पिछले 50 साल से ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो अभी ये जो प्रोडक्ट हमने बनाया है, अब इसको अब न्यू प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया है। ग्रेवियर तो बना ही रहते हैं, मगर ये हाई स्पीड मॉडल है। अच्छा। इसमें काफ़ी अच्छे फीचर्स दिए हैं। हाई स्पीड भी ऑलरेडी बना रहे थे, मगर ये और हमने नया जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है, इसमें कई फीचर्स हैं। अभी तो सर क्या क्या और भी क्या क्या मशीन्स आप मैन्युफैक्चर करते हैं? जो अगर रोटो ग्रेवर प्रिंटिंग मशीन की बात करें तो उसके साथ रिलेटेड लेमिनेशन मशीन होती है, स्लिटिंग मशीन होती है, ये एक प्लांट हो जाता है। पेपर बैग मेकिंग मशीन विद प्रिंटिंग, विदाउट प्रिंटिंग, वो आप ऑलरेडी कवर कर चुके हो। और मशीन्स हैं जैसे एल्युमिनियम फॉयल रिवाइंडिंग है, वो एक छोटे प्रोडक्ट्स में आ जाती है। अच्छा। ये हैवी मशीनरी में आ जाती है। फ्लेक्सोग्राफिक प्रिंटिंग मशीन बनाते हैं 1 to 8 color तक। तो इस तरह से रिलेटेड प्रोडक्ट काफी सारे आप बना रहे हो। हाँ, और वो भी मेड इन इंडिया के अंदर। आप खुद अपने यहाँ फैक्ट्री में बनाते हैं? हम इसमें कोई भी चाइनीज पार्ट कहीं भी यूज नहीं करते और ना ही वहाँ से इम्पोर्ट करते हैं। हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है। तो जैसे मैं आपको इसके प्रोडक्ट्स के बारे में बताता हूँ, ये जैसे आपके पोलिस्टर और बीओपीपी के ऊपर प्रिंट करते हैं, पोलिस्टर फिल्म आती है, बीओपीपी फिल्म आती है। अच्छा। उसके ऊपर प्रिंट करते हैं। तो जैसे ये पोलिस्टर का बताया, इसमें पेपर भी प्रिंट कर सकते हैं आप। पेपर कई जगह यूज होता है, पेपर प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद अगर एल्युमिनियम फॉइल की बात करें, जो मेडिसिन आप टेबलेट्स लेते हैं, ये एल्युमिनियम फॉइल वो है जिसमें मेडिसिन आपका पैक होके आता है, इसकी प्रिंटिंग भी है, ये एल्युमिनियम फॉइल की कर सकते हैं। और जैसे आप ये आलमंड्स वगैरह खाते हैं, इसकी प्रिंटिंग कर सकते हैं। ये स्पाइसेस हैं, स्पाइसेस का हो गया, या आप ये चिप्स भुजिया, कुरकुरे, जो भी खाते हैं, जो भी है, ये सारा इसी मशीन का प्रिंटिंग का प्रोडक्ट है। इसको पहले प्रिंटिंग करते हैं, फिर सेकंड पार्ट में इसको लेमिनेशन करते हैं, फिर स्लिटिंग करते हैं। अच्छा। तो लास्ट में ये प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चरर के पास पहुंचता है, जो चिप्स या स्पाइसेस या जो भी आइटम वो बना रहे हैं इसमें पैक करते हैं। इस तरह की हैं ये मशीन का, ये सारे इस तरह के। और भी इससे आप कोई भी प्रिंटिंग कर सकते हैं, पोलिस्टर फिल्म हो गया, बीओपीपी फिल्म हो गई, पेपर हो गया, पीवीसी हो गई, मतलब काफी तरह के मटेरियल्स आप यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। बस रोल्स लगाओ और यहाँ पर ये रोल टू रोल प्रिंटिंग मशीन है। प्रोडक्ट जो सा है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, चाहे हम पेपर लगा रहे हैं, पोलिस्टर फिल्म लगा रहे हैं, या एल्युमिनियम फॉइल लगा रहे हैं, या बीओपीपी फिल्म लगा रहे हैं, जो भी हमारा सबस्ट्रेट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये मशीन जो सी है 8 color मशीन है, और इसमें इन फीड आउट फीड के भी स्टेशंस हैं और ड्राइंग यूनिट ऊपर है। तो मैं आपको एक एक करके ब्रीफ कर देता हूँ। यहाँ पर जैसे अगर रोल्स लगा रहे हैं, ये ऑटोमेटिक लिफ्ट करेगा या किस तरह से? नहीं, ऑटोमेटिक लिफ्टर भी हमारे पास है। अच्छा, इसमें वो ऑप्शंस भी अवेलेबल है? वो ऑप्शन अवेलेबल है। इसमें ये एयर शाफ्ट है, इसमें कोई भी स्क्रू या किसी की जरूरत नहीं है। ऐसे जैसे मटेरियल लगाया तो इसमें यहाँ पर हम एयर देंगे, जैसे एयर भरते हैं इसमें, तो ये जो सी लग्स हैं बाहर आ जाते हैं। तो ये यहाँ लोड कर दिया। ये अनवाइंड यूनिट भी जो है मोटराइज्ड है, एज वेल एज इसमें वेब लाइनर भी है। अच्छा। जो अलाइंड करके रखेगा। यहाँ सर हर जगह आपने जो ये मोटर्स यूज किए हैं, ये किस तरह के मोटर्स आप यूज किए हैं सर? ये सारे स्टैंडर्ड कंपनी के। अभी अच्छा। ये जैसे मोटर आप देख रहे हैं, ये एबीबी कंपनी की स्टैंडर्ड मेक की मोटर है। ये इनफीड यूनिट पे लगी हुई है। इनफीड यूनिट मोटराइज तो है ही है, एज वेल एज इसमें जो प्रेशर है इसका रबर रोलर का, वो न्यूमेटिक है। न्यूमेटिक है, एयर प्रेशर से है। उसके लिए हमने इधर कंट्रोल पैनल दिया हुआ है। ये लोड सेल दे रखे हैं इसमें इनफीड के लिए। आप इधर आएंगे देखेंगे तो ये कंट्रोल पैनल है इसका न्यूमेटिक का। इसमें हमने ये दिया है, इसको अगर आप हैंडल से प्रेस करेंगे तो इसका प्रेशर लग जाएगा और हैंडल से ही प्रेशर रिलीज होगा। तो ऐसे ही आप चलेंगे क्या आगे। ये जैसे अगर ये लेंथ और विथ की बात करें, क्या लेंथ विथ क्या रहती है? ये मशीन जो सी है 1200 एमएम की है। इसमें कस्टमाइज है हमारे पास, ये मशीन जो सी है ये
बात करें तो 500 mm से लेके 2000 mm तक की अभी हमारे पास कैपेसिटी है। अच्छा। अगर उसके बाद भी कोई कस्टमाइज करना चाहता है तो वो भी हम कर देते हैं। और जैसे ये काफी हैवी है, मटेरियल किस तरह के यूज करते हैं जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग में, किस तरह के मटेरियल से? ये कास्ट आयरन मटेरियल यूज किया है। प्लेट्स की बात करें, मशीन की जो बॉडी है ये कास्ट आयरन मटेरियल यूज किया है। ये बहुत हैवी ड्यूटी है, इसमें अच्छा वेट है। इसका वेट ज्यादा करने से और हैवी ड्यूटी से क्या है, मशीन में जो प्रिंटिंग है उसमें वाइब्रेशन नहीं आएगी तो प्रिंटिंग अच्छी आएगी। बाकी आप जहाँ खड़े हैं यहाँ पे आप देखेंगे कि प्लेटफॉर्म के ऊपर भी हमने चेकर्ड एल्युमिनियम की प्लेट लगा रखी है, इसके नीचे भी हमने हैवी ड्यूटी HRC शीट दी हुई है कि ताकि एक तो ये बेंड ना हो और अगर इसके ऊपर इंक वगैरह गिर जाती है कभी तो आसानी से क्लीन हो सके। जितने भी मशीन में रोलर्स हैं ये सारे डायनेमिक बैलेंस्ड हैं, एज वेल एज इसमें एंटी क्रीजिंग रोलर्स हैं ये, कि मशीन में क्रीज नहीं बनेगी आपकी कहीं भी। मतलब हमने इसमें जितने भी फीचर्स दिए हैं वो सारी चीज़ें प्रोडक्शन को, क्वालिटी को देखते हुए रखी हैं हमने सारी। किसी भी चीज़ की आप क्वालिटी देखेंगे, जैसे इस रोलर की बात कर लें तो ये हार्ड क्रोम प्लेटेड रोलर है। अच्छा। ये ऊपर वाला रबर रोल है, इसकी भी क्वालिटी आप देखें तो अच्छी कंपनी के रोलर्स हैं। अगर न्यूमेटिक्स की बात करें तो जेनेटिक कंपनी स्टैंडर्ड है उसके हैं, या हम फेस्टो यूज करते हैं या जेनेटिक्स यूज करते हैं, अच्छे प्रोडक्ट। मतलब क्वालिटी प्रोडक्ट वही होना चाहिए हमारा। पहला एम जोन्स है वो क्वालिटी है। हाँ जी, हाँ जी। जैसे यहाँ से आप ये पहला स्टेशन, ये फर्स्ट स्टेशन है इनफीड के बाद, ये फर्स्ट स्टेशन है। पहला अनवाइंडर यूनिट आ गया, इनफीड आ गया, ये फर्स्ट स्टेशन है। फिर ऐसे अगर आगे चलते जाएंगे सेकेंड स्टेशन है प्रिंटिंग स्टेशन, ये जैसे यहाँ फिफ्थ स्टेशन पे आ गए, ये स्टेप बाय स्टेप कलर वन बाय वन प्रिंट होता रहेगा। और इसमें ड्रायर हमने डबल दिया है, इसमें एक तो ड्रायर ऊपर तो है ही है, तो हमने यहाँ भी एक ड्रायर दिया हुआ है। अच्छा, इसके अंदर, इसके अंदर भी ड्रायर दिया हुआ है कि फिल्म जोन से जब हाई स्पीड पे चलेगी तो यहाँ भी ड्राई होगी और ऊपर भी हमने टनल में भी। तो हर एक स्टेशन पे ड्रायर आपको मिल जाएंगे? हर एक स्टेशन पे इंडिविजुअल ड्रायर भी है और ऊपर एक लंबा टनल भी है जो कि प्रोडक्ट जो है प्रॉपर फाइनल ड्राई होके आएगा। अच्छा, जैसे ये जो टेम्परेचर दिखा रहे हो हीटर का, ये टेम्परेचर है? हाँ जी, ये जो क्या हमारे ऊपर जो ड्राइंग हुड है उसमें कितनी हीट आ रही है उसके लिए है। ये टेम्परेचर इंडिकेटर है कि कितना टेम्परेचर यहाँ पे उस वक्त आ रहा है, तो आप इसको ऑन करके यहाँ से देख सकते हैं। ये जैसे आपका सिक्स स्टेशन आ गया, ये सेवन्थ स्टेशन है, ये हमारा एट स्टेशन है, ये लास्ट स्टेशन है हमारा। यहाँ आके आपका जो आठवां प्रिंटिंग है कंप्लीट हो जाती है। हाँ जी। अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि जैसे इसमें क्या है कि ये हमारा इंक ट्रे है, इंक ट्रे को एडजस्ट करना होता है, इसके लिए भी हमने यहाँ हैंडल से मूवमेंट दी हुई है, इसको आप अप एंड डाउन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है सिलेंडर शाफ्ट, ये हैवी ड्यूटी में दी हुई है। इसमें एक और हमने नई जो चीज़ अभी की है, पहले जैसे आम लोग गियर्स लगाते हैं, इसमें हमने गियर्स की जगह ये सील्ड गियर बॉक्स दिया है। इसको आप एक ही बार ऑयल से फिल कर दीजिए और इस ये सील्ड है, इसमें बार बार ऑयल डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। और इस सिलेंडर शाफ्ट में हमने अलग से, जैसे आम तौर पे दो गियर लगा देते हैं, वो नहीं है इसमें, ये कपलिन सिस्टम है, इसको शिफ्ट कर दीजिए और इसमें मूवमेंट आ जाएगी। अगर रबर रोल की बात करें तो ये भी हमने न्यूमेटिक दिया है, मैनुअल नहीं है, न्यूमेटिक है, ये भी न्यूमेटिक है। फिर उसके बाद इसमें आ जाता है रजिस्ट्रेशन को कैसे कंट्रोल करना है, जो कलर टू कलर जो रजिस्ट्रेशन है, एक से दूसरा कलर कहाँ एडजस्ट होगा, तो इसके लिए हमने ये रजिस्ट्रेशन के लिए दिया है, ये भी मोटराइज्ड है। इसको हमने ऑन करेंगे अप एंड डाउन, आपको जहाँ पर आपका जो क्रॉस आ रहा है प्रिंटिंग का, उसको आप यहाँ से मोटराइज सेट कर देते हैं। इसकी मोटर हमने उस अपोजिट साइड में लगा रखी है, तो इधर आप रबर रोल का प्रेशर, ऑपरेटर जो सा है यहाँ पर रबर रोल का प्रेशर आप लगा सकते हैं, रेगुलेटर से आप उसका प्रेशर को एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको कितना इंप्रेशन चाहिए। ये लेफ्ट एंड राइट के लिए है रेगुलेटर, लेफ्ट साइड में आपको इंप्रेशन कम ज़्यादा करना है, राइट में करना है, वो कर सकते हैं, यहीं से प्रेशर रिलीज हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं अगर डॉक्टर ब्लेड की, डॉक्टर ब्लेड भी हमने न्यूमेटिक दिया है इसमें, ये भी एडजस्टेबल है कि आपने उसमें प्रेशर कितना देना है वो आप दे सकते हैं। इसी हैंडल की मूवमेंट से आपने ये प्रेशर लगा दिया, यहाँ रिलीज कर दिया। जो आपके रजिस्ट्रेशन की मोटराइज की बात करें, इसमें ये बॉल स्क्रू लगे हुए हैं, इसमें कोई स्क्रू नॉर्मल नहीं है, ये बॉल स्क्रू हैं, इसमें प्ले नहीं होती और एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, हाँ। और ये इम्पोर्टेड है, इम्पोर्टेड मीन्स चाइनीज़ नहीं है, ये जर्मनी मेक है, ये हम वहाँ से इम्पोर्ट करते हैं। आप डॉक्टर ब्लेड देखेंगे तो डॉक्टर ब्लेड नॉर्मली क्या है कि स्क्रू टाइट करने पड़ते हैं। हमारा ये जो सा डॉक्टर ब्लेड है, ये असेंबली आप
वन टच हैंडल वाली है। आपने डॉक्टर ब्लेड निकालना है, ये हैंडल को ऊपर किया, रिलीज हो गया, डॉक्टर ब्लेड बाहर निकाला, चेंज करना है, आपने उसको रखा और वन टच से है। आम में देखेंगे कि अगर 1200 mm की मशीन है, कम से कम नीचे 10 से 15 बोल्ट टाइट करने पड़ते हैं। इसमें कोई टाइट नहीं करना, आप वन टच से इसको करेंगे और ब्लेड आपका बाहर आ जाएगा, चेंज कर सकते हैं। रोलर्स की अगर बात करें तो जितने भी आइडलर रोलर्स हैं ये सारे सूटेबल डायमीटर के हैं। मतलब आम आप देखेंगे तो उनका डायमीटर कम होता है, ये सूटेबल डायमीटर जो मशीन की विड्थ के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है उस चीज़ को नज़र में रखते हुए सूटेबल डायमीटर के लगाए हैं। तो ये डायमीटर का भी फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, आप नॉर्मल मैन्युफैक्चरर देखेंगे वो कम डायमीटर के रोलर लगाते हैं, उसमें क्या है मशीन में क्रीज आने के चांसेस रहते हैं और भी कई उसमें दिक्कत आती हैं। तो हम इसमें सूटेबल डायमीटर लगाते हैं, इससे बड़ी मशीन होगी विड्थ की, उसमें और बड़े डायमीटर के होंगे जो आइडियल होगा वो। हाँ जी, जो उसमें सूटेबल होगा। तो इसमें भी जैसे आप प्रिंटिंग की अगर बात करें, यहाँ पर प्रिंटिंग में साइड में क्रॉस होता है, तो कई बार क्रॉस मिलाने के लिए आगे पीछे करना पड़ता है, लेफ्ट टू राइट। तो उसके लिए भी ये देखिए लॉक दिया है हमने, यहाँ से आप आगे पीछे कर सकते हैं इसको और यहाँ से लॉक कर सकते। ये जो है हर स्टेशन पे यही सेम होंगे ये सब? हर स्टेशन में जो फीचर्स मैं इसमें आपको बता रहा हूँ वो हर स्टेशन में होंगे। तो डॉक्टर बेड की जो मैं पीछे बात कर रहा था, बीच में रह गई, इसको आप अप एंड डाउन भी कर सकते हैं। अगर हमारे सिलेंडर का डायमीटर कम है तो इसको नीचे भी ले सकते हैं, अगर ऊपर करना है तो डॉक्टर ब्लेड जो सा है वो स्लाइडर भी है। ये वन मूवमेंट से आप देखेंगे डॉक्टर ब्लेड अप एंड डाउन भी होगा और टू एंड फ्रो आगे पीछे भी होगा, और जो प्रेशर है वह न्यूमेटिक से है। ये इसमें हमने नए फीचर्स दिए हैं और कहीं भी आपको क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हमने कहीं नहीं की, ये सारे इसमें है। जब मटीरियल हमारा प्रिंट होके निकलता है तो उसके बाद जैसे मैं ड्रायर की बात कर रहा था आपको, तो ये हमारा ड्रायर है। ये ड्रायर के लिए देखिए हमने हैंडल दिए हुए हैं और इसकी स्मूथ मूवमेंट के लिए यहाँ देखिए लीनियर बैरिंग्स दिए हुए हैं हमने, कोई बुश नहीं है, लीनियर बैरिंग्स है कि ऑपरेटर इसको ईजिली जो है मूव कर सकता है। आप देखिए मैं सिंगल हाथ से इसको कर रहा हूँ तो मूव हो जाएगा। ये देखिए इसमें रोलर्स के लिए हमने कन्वेयर एक रोलर्स बनाया है, जो मटेरियल यहाँ से प्रिंट होके जाएगा तो ये रोलर्स की एक कन्वेयर बनाई है हमने, और यहाँ से हमारा इसमें एयर आएगी और ये स्लिट हर रोलर पे है। अच्छा, ये हाँ हर रोलर पे स्लिट है, जैसे हमने यहाँ रोलर दिए हैं हर रोलर के ऊपर प्रेशर लगेगा और बाकी एयर यहाँ से आएगी। तो ये एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जब तक मूव करेगा तब तक ये ड्राई हो जाएगा? हाँ, जब पहला स्टेशन आप प्रिंट करेंगे तो यहाँ से ड्राई होता हुआ ऊपर जाएगा टनल में, वहाँ भी एयर ट्रेज लगी हैं, वहाँ से ड्राई होता हुआ नीचे आएगा कि जब जो स्पीड हमने मशीन की दी है वो स्पीड में मटेरियल हमारा ड्राई होना चाहिए। अच्छा, तो वो ड्राई होता हुआ आएगा यहाँ से, फिर आगे आ जाएंगे, आगे बात करेंगे। तो ये जैसे आपको मैंने इनफिट स्टेशन दिखाया है तो ये आउटफिट स्टेशन है, इसमें भी सेम वहाँ पर यहाँ लोड सेल दिए हुए हैं हमने, निप रोलर दिया हुआ है, रबड़ रोल दिया है, ये भी न्यूमेटिक है, इसका भी अगर यहाँ से प्रेशर लगाते हैं यहीं से प्रेशर रिलीज हो जाएगा, दोनों तरफ का इंप्रेशन कम ज़्यादा करना है वो सेट हो जाएगा। अब होता क्या है कि मशीन की स्पीड अगर 150 meter है तो विजिबिलिटी जो सी है वो जीरो हो जाती है। अच्छा, उसके लिए हमने ये फ्लैश लाइट दी हुई है, स्ट्रोबोस्कोप लाइट दी हुई है। हाँ हाँ। इसमें क्या है, जो मटेरियल हमारा प्रिंट होके आ रहा है वो हमारे को प्रिंटिंग जो सी है वो स्टिल नज़र आएगी, क्योंकि जब स्पीड में 150 meter पे फिल्म चलेगी या 250 meter पे चलेगी तो नज़र नहीं आएगी। फिर मटेरियल को अलाइंड करने के लिए हमने ऊपर एक वेब लाइनर और दिया, जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो भी अलाइंड ही आएगा। यहाँ से आके ये रिमाइंडर दिया है हमने, इसमें यहाँ भी एयर शाफ्ट दी हुई है, ये भी मोटराइज है, मैनुअल नहीं है, विद लोड सेल बेस्ड है ये भी। तो यहाँ आके हमारा फाइनल प्रोडक्ट आ जाता है। अब इस एक मशीन की एक और खासियत आपको बताता हूँ कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पेपर प्रिंट हो जाता है इसमें, पेपर के लिए क्या होता है, ये रिमाइंडर पेपर के लिए इतना सक्सेसफुल नहीं होता, तो इसके लिए हमने एक एक्स्ट्रा रिमाइंडर दिया हुआ है। अच्छा, सरफेस, इसको सरफेस रिमाइंडर बोलते हैं, हमने एक्स्ट्रा रिमाइंडर दिया पेपर के लिए। अच्छा, पेपर के लिए अलग से? हाँ, पेपर तो होगा ही इसमें। दूसरा इसमें क्या है कि इस प्रोडक्ट को लेमिनेशन करना पड़ता है, ये जैसे हमने पॉलिस्टर फिल्म प्रिंट की तो पॉलिस्टर फिल्म को बाद में ये मल्टी लेयर्ड पाउचेज होते हैं, ये इसके पीछे आप देखेंगे ये सिल्वर कलर का मेटलाइज फिल्म लगी हुई है और पॉली लगानी होती है इसको हीट सील करने के लिए, पाउच बनाने के लिए, जैसे पाउच में सीलिंग होती है तो उसके लिए जैसे ये पाउच सील करते हैं तो इसके लिए हमारे को दो फिल्म और लगानी पड़ती है, पॉलिस्टर फिल्म के साथ मेटलाइज फिल्म और पॉली उसको सील करने के लिए, जैसे ये सील किया हुआ है।
तो उसके लिए हमने इसमें ऑनलाइन लेमिनेशन दे दी है। वैसे सेपरेट लेमिनेशन भी आप ले सकते हैं, ऑनलाइन लेमिनेशन दे दिया। आप आर्ट कलर प्रिंट करने के बाद उसी मटेरियल को फिर दोबारा से फर्स्ट स्टेशन पे लगाइए अनवाइंडर पे, और यहाँ से सेकंड सबस्ट्रेट जो भी आपका मेटलाइज फिल्म चल रही है या आपका मेटलाइज के अलावा आपका पॉली आपने करनी है, एलडी बोलते हैं उसको, वो मटेरियल यहाँ लगाइए। तो यहाँ पर सैंडविच करके, ये जो सा आउटफिट स्टेशन आप देख रहे हैं इसमें सैंडविच करके, इसको इस स्टेशन में सैंडविच करके, तो फिर ये दोबारा सरफेस वाइंडर जो सा है ये आपका लेमिनेशन में भी यूज़ में आएगा। पेपर के लिए तो आएगा ही आएगा, पेपर के साथ साथ फिर लेमिनेशन में यूज़ आएगा। तो आप दूर से देखेंगे इसमें ये ऊपर पूरा ड्रायर दिया हुआ है। अच्छा, ड्रायर के साथ साथ हमने जो सा वेब पाथ लगाना होता है उसके लिए हर स्टेशन पे अलग अलग टेबल ना रखना पड़े, कोई सीढ़ी ना लगानी पड़े, तो हमने इसके लिए कैटवॉक दी है। अच्छा, यहाँ पर आप मूव कर सकते हैं। यहाँ पर आदमी ऊपर जाके मूव कर सकता है और इजीली जो सा वेब पाथ है उसको घुमा के ला सकता है। अच्छा, ये जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि प्रिंटिंग और लेमिनेशन हो गया, लेमिनेशन अलग से भी ले सकते हैं, इनबिल्ट भी है। तो इसके बाद इसकी क्या है, इसकी कटिंग होती है, स्लिटिंग मशीन की रिक्वायरमेंट होती है इसके साथ। तो आओ मैं आपको लेकर चलता हूँ स्लिटिंग मशीन के ऊपर। ये हमारा स्लिटिंग मशीन है, ये भी सेम विड्थ का, जैसे मैंने आपको बताया 1200 है, अगर आप वो आप 1200 लेते हैं तो ये भी आपको 1200 ही लेना है। इसमें भी यहाँ पर आपका मटेरियल जो प्रिंटेड मटेरियल है वो यहाँ पर आपका लोड हो जाएगा। यहाँ से ये हमने इसमें प्रिंटिंग के लिए एक स्पेशली लाइन गाइड आता है जो प्रिंटिंग को, आपकी जो भी प्रिंटिंग हो रही है उसको, उसके आई मार्क को पकड़ कर चलता है। तो इसमें ये लाइन गाइड हमने लगाया हुआ है। ये भी सेम मशीन की स्पीड है, 150 मीटर की है ये, अगर वो 150 होगी तो ये भी 150 ही रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें क्या है कि बड़ा रोल जैसे 1200 का लग गया, तो इस पाउच के लिए अगर 200 एमएम की कटिंग करनी है तो 200 एमएम के हमारे 6 पीस इसमें कटिंग होकर रोल बन जाएंगे, रोल ही चलेगा और रोल ही बन जाएगा। तो वहाँ हमने पूरा प्रिंट कर लिया, अब यहाँ पर कटिंग करने है। कटिंग करने के लिए आप यहाँ पर लगाओ रोल्स और ये जो भी साइज रखने आप वो जो साइज आप चाहते हैं इसमें, ये जैसे इसमें ये ब्लेड के लिए हमने होल्डर दे रखे हैं, तो इसमें आप ब्लेड एडजस्ट करेंगे और इसमें जो साइज आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप इसमें कटिंग कर सकते हैं। ये ग्रूव रोलर दिया हुआ है हमने, ये इसमें आप कटिंग कर सकते हैं। तो इसको भी कंट्रोल करने के लिए ये कंट्रोल पैनल है इसका, इसमें मोटर दे रखी है हमने, उसके लिए ऑन ऑफ स्पीड जो सी है वेरिएबल है इसमें, और एक इसमें ब्लोअर होता है मशीन में ट्रिम करने के लिए, ये उसके लिए है। तो ये सारे फीचर्स इसमें भी दे रखे हैं, इसमें ये वोल्ट एम्पेयर मीटर के लिए है। तो प्रॉपरली जो पैरामीटर्स को देखते हुए कंट्रोल पैनल की रिक्वायरमेंट है वो सब इसमें इनबिल्ट है। अच्छा, ये मॉडल ऐसा है, इसको और अपग्रेड कर सकते हैं। इसमें अगर ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन जिसको ARC बोलते हैं, अगर वो इसमें लगा दी जाए तो ये फुली ऑटोमेटिक हो जाती है, फिर आपको मशीन पे ज़रूरत नहीं है। फिर आप उसमें एक कंप्यूटर पे ही, स्क्रीन पे ही आपको सारी चीज़ नज़र आएगी, वहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो। तो वैसे अगर पूरे प्लांट की बात करें, जैसे ये मशीन है, यहाँ अलग से लेमिनेशन लेनी है कि मैं अभी और आपको प्रोडक्ट दिखाता हूँ, स्लिटिंग मशीन जिसपे कटिंग होगी, तो फिर ये टोटल प्लांट के लिए आप अगर 8 से 10 आदमी आपके पास हों तो ये पूरा प्लांट जो सा आपका रनिंग हो जाता है, जिसमें सुपरवाइजर भी हो गया, स्किल्ड ऑपरेटर हो गए, थोड़ा अनस्किल्ड स्टाफ हो गया, हेल्पर्स हो गए, तो ये आप इसको रनिंग में ले सकते हैं। मगर ये प्रोडक्ट हमने जो बनाया है, मैं बार पहले भी आपको बताया कि 150 मीटर का है, इसी को आप अगर ARC लगवा लें तो ये 200-250 मीटर पे और कस्टमाइज करके हम इसको ले जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मशीन अगर आप देखेंगे, इसका बेस देखेंगे मशीन का, हैवी ड्यूटी बेस है कास्ट आयरन का, बॉडी देखेंगे वो भी हैवी ड्यूटी है, गेयर बॉक्सेस हैं, हर चीज़ इसमें हैवी ड्यूटी है। इसमें कोई भी हमने जो सा प्रोडक्ट यूज़ किया है वो कोई भी लाइट यूज़ नहीं किया, हाई स्पीड प्रोडक्शन की। और सेफ्टी मेजर्स को लेकर देखें तो किस तरह के आपने इसमें यूज़ किए? सेफ्टी में हमने हर जगह इसमें कवर दिए हैं, आप इधर देखेंगे अगर पैनल को, हमारे को रिक्वायरमेंट यहाँ तक है, मगर हमने इसको पूरा कवर किया क्योंकि सिलेंडर शाफ्ट यहाँ पे मूव करती है उसके लिए है। और इमरजेंसी बटन आपने यहाँ इमरजेंसी दिया है, जैसे आपने ऑपरेटर कोई भी यहाँ है उसको इमरजेंसी स्टॉप करनी है, कहीं से भी कर सकते हैं। अच्छा, किसी भी स्टेशन से? हाँ, वैसे इसका एक कंट्रोल पैनल अलग आएगा, वहाँ जाके ऑन साइड वायरिंग होगी, और एक हॉट एयर यूनिट आएगा। जैसे ये जो मशीन है ये गैस फायर्ड है, ये वहाँ हम गैस के सिलेंडर्स लगेंगे, वहाँ हॉट एयर जनरेट होगी और मशीन में आएगी। इसमें हमारे पास ऑप्शन है, इलेक्ट्रिकल का भी है, डीजल फायर्ड भी है,
गैस फायर्ड भी है, वुड फायर्ड भी है। ये एज पर कस्टमर है कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनके एरिया में जहाँ भी उनको दे रहे हैं उनकी अवेलेबिलिटी क्या है। तो इस तरह के फीचर्स भी हैं इसमें, ऑप्शंस हैं ये चीज़ें। तो जैसे सर ये जो प्रिंटिंग है, ये प्रिंटिंग किस तरह का प्रिंटिंग होता है? ये जैसे आपको मैंने दिखाया, ये सब तो प्रोडक्ट हो ही सकते हैं। इसके लिए प्रिंटिंग के लिए सिलेंडर बनाना पड़ता है। अच्छा, सिलेंडर। तो सिलेंडर के ऊपर आप देखेंगे इसमें ये A1 लिखा हुआ है। ये एंग्रेविंग करवा के जब हम इसमें मशीन में लगाते हैं तो डॉक्टर ब्रेड नाइफ जो सा है ये इंक में डिप होके चलता है। डॉक्टर ब्रेड नाइफ जो सा है वो एक्सेस इंक को इसके ऊपर से जो एक्सेस इंक होती है उसको हटा देता है और सिर्फ जो एंग्रेविंग पार्ट है उसमें इंक रह जाती है। ये जो इंक है हमारा जो सब्सट्रेट रहता है, चाहे पोलिस्टर फिल्म है, BOPP फिल्म है या एल्युमिनियम फॉयल है, ये उस पर ट्रांसफर हो जाता है जब रबर रोल के प्रेशर से। सिलेंडर इस तरह के अलग अलग बन सकते हैं। जैसे ये छोटा सिलेंडर है, अगर हमारा विड्थ ज़्यादा है तो ये बन सकता है। ये जैसे लेमिनेशन की मैंने बात की है, उसके लिए कोटिंग सिलेंडर बनता है। ये कोटिंग सिलेंडर इस तरह का लगेगा उसमें, क्योंकि उसमें पूरा कोटिंग, केमिकल एडहेसिव कोटिंग होनी है। अब जैसे ये आप देख रहे हैं सिलेंडर, ये जो बच्चों की शुगर कैंडी आती है पास उसके लिए भी है। इस तरह का प्रोडक्ट भी आप प्रिंट कर सकते हैं। इसका ड्राई रूट हमने जो लंबा दिया है, मतलब स्टेशन टू स्टेशन वाइज दिया, तो वो इसीलिए है कि जब वहाँ से फाइनल प्रोडक्ट लेमिनेट होके आएगा तो वो प्रॉपरली ड्राइंग होगा। उसमें किसी तरह की एक तो इस ये भी है हमारे, जैसे आप फूड आइटम इसमें करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ये बताया ये डेट्स है, फूड आइटम में क्या स्मेल नहीं आनी चाहिए, तो इसमें हमने जो लेमिनेशन का अरेंजमेंट दिया हुआ है उसमें ड्राई तो होगा ही होगा मगर हमारे प्रोडक्ट में स्मेल नहीं आएगी। उसके लिए हमने इसमें जो सा है डक्टिंग जो सी है वो प्रॉपरली उसी ढंग से दी हुई है। सर ये जो आप अलग अलग मटेरियल अगर कोई चलाना चाहे, जैसे पेपर में है या प्लास्टिक में है या एल्युमिनियम फॉइल्स पर है, तो उनके लिए सेम ही सिलेंडर से वर्क कर सकते हैं या अलग अलग उनके लिए सिलेंडर? देखो सिलेंडर आपको एज ए प्रोडक्ट वाइज बनाना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि क्या है कि जो पोलिस्टर फिल्म का और एल्युमिनियम फॉइल का सिलेंडर डिफरेंट है। जैसे अमेजोन ये कॉफ़ी का है, कॉफ़ी के लिए हमें कॉफ़ी का सिलेंडर चाहिए। स्पाइसेस है तो स्पाइसेस का बनवाना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि एक सिलेंडर दूसरे में यूज़ कर सके, मगर प्रिंटिंग आप कर सकते हैं। अगर आपने ये सिलेंडर बना लिया है और इसी प्रोडक्ट को अगर पेपर पर प्रिंट करना है तो आप कर सकते हैं, सेम सिलेंडर से पेपर पे भी कर सकते हैं। मगर अगर उसको हम पेपर के लिए बनाएं तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एंग्रेविंग में जो सी डॉट्स हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो अगर उसी प्रोडक्ट के लिए बनाएं तो ज्यादा बेटर है। एल्युमिनियम फॉइल का थोड़ा सा डॉट्स में फर्क आता है एंग्रेविंग में, पोलिस्टर फिल्म के लिए थोड़ा अलग आएगा, पेपर के लिए अलग आएगा, मगर अगर वैसे भी करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। जैसे ये राइस पैक भी आप देख रहे हो, ये भी मल्टी लेयर्ड है, इसमें भी मल्टी लेयर लेमिनेशन भी हुआ हुआ है और पोलिस्टर फिल्म के ऊपर है। ये इस तरह आप कर सकते हैं। जैसे लोड की बात करें या स्पेस को लेकर देखें क्या एक रहता है? देखो इसके लिए अगर इस प्लांट की बात करें, इस मशीन के लिए अगर बात करें, तो कम से कम मतलब आप मान के चलिए 4,000 square feet हमारे को स्पेस रिक्वायर्ड होगी। ये हो गई एक, अगर लेमिनेशन अलग से लेते हैं तो, अगर लेमिनेशन इनबिल्ट लेते हैं फिर भी रेडी प्रोडक्ट्स हो गए, रॉ मटेरियल हो गया, सिलेंडर्स हो गए, तो आप 4,000 square feet तो लेके चलिए स्पेस, इतनी तो चाहिए होगी। और लोड बिजली का क्या? लोड आप मान के चलिए जैसे इस मशीन की बात करें तो 50 kW का लोड है इसका। अच्छा, हाँ जी। कोई सर्टिफिकेशन की भी ज़रूरत पड़ती है इसमें से? नहीं, सर्टिफिकेशन ऐसा नहीं है, जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उनको कंप्लीट करना पड़ता है। गवर्नमेंट के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो तो लेने ही पड़ेंगे, जैसे GST नंबर वगैरह आपने लिया हुआ है, तो उसके अलावा अगर कोई पोल्यूशन की या किसी तरह की जो स्टेट वाइज या एरिया वाइज जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं वो लेने हैं, कोई ऐसा स्पेशल सर्टिफिकेट नहीं है। सर्विसेज को लेकर देखें, इंस्टॉलेशन को लेकर देखें, या आपको ट्रेनिंग भी देने पड़ेंगे, उनको लेकर क्या है इसमें? देखो सर्विसेज की अगर बात करें तो वैसे हम लास्ट 50 years से अगर प्रोडक्ट ये बना रहे हैं तो सर्विस की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, क्योंकि हम प्रोडक्ट को बहुत ही बारीकी से बनाते हैं और उसकी इंस्पेक्शन जो सी है बड़ी बारीकी से करते हैं। फिर भी उसके बाद भी देखो सर्विस की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारे पास सर्विस स्टाफ है, वो हम भेज देते हैं, इंजीनियर्स हैं हमारे पास। तो बाकी इसके अलावा जैसे वहाँ पर ऑन साइट कोई प्रॉब्लम आती है वो भी है, या किसी भी तरह से आती है, मैनुफैक्चरिंग में हो गई या इलेक्ट्रिकल्स में हो गई, तो हमारा आदमी जाके वहाँ उसको सॉर्ट आउट कर देते हैं। इसके अंदर वारंटीज भी आते हैं? वारंटी 1 year की होती है। अच्छा, हाँ जी। उसमें भी वारंटी में भी कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशन अप्लाई में जो भी है उसी तरह से आएंगे, कंडीशंस हैं उसके ऊपर, वारंटी भी कंडीशंस के ऊपर है। जैसे रबर रोल की बात करें, रबर रोल की है तो वारंटी में,
मगर अगर ब्लेड से उसको काट दिया जाए तो उसकी वारंटी नहीं। तो इस तरह से कुछ कंडीशंस हैं, उस कंडीशन के ऊपर 1 ईयर की वारंटी देते हैं। तो ये ऑन साइट आप जाके ट्रेनिंग भी देते हो, वहाँ रन करके आप सारा कुछ करके देते? उसके लिए ऑपरेटर स्टाफ चाहिए होता है, वो हम प्रोवाइड करा देते हैं। अगर किसी को जरूरत हो तो ऑपरेटर स्टाफ हमारे टच में होते हैं, तो वो हम प्रोवाइड करा देते हैं। तो सर ये जो मशीन्स है अभी तक आपने कहाँ कहाँ इंस्टॉल किया है, और बजट को लेकर देखिए तो किस तरह के बजट में आते हैं? देखो इंडिया में तो मेरे को लगता नहीं है कि कोई ऐसी जगह हो कि पिछले 50 साल में जहाँ पर हमने मशीन नहीं दी हुई। बाकी आप आइए ऑफिस में आ जाइए, इसके बारे में आके ऑफिस में बैठ के बात करते हैं। आइए। तो ये हमारा यूनिट है, मैनुफैक्चरिंग यूनिट है। तो अभी हम एक ये हमने सुपरविजन ऑफिस बना रखा है। वैसे जो कंपनी का हमारा ऑफिस है वो हरिनगर में है, जहाँ पर हमारा अकाउंट स्टाफ और सेल्स का स्टाफ जो उनसे है वो वहाँ पर बैठता है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये कंपनी के फाउंडर मेरे फादर सरदार मान सिंह जी हैं, जिन्होंने ये कंपनी 1970 में स्टार्ट की थी। तो उनके पास एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था 1970 में, तो उन्होंने स्ट्रगल करके इस यूनिट को स्टार्ट किया। तो ये अब हमारा फैमिली बिजनेस बन चुका है। जैसे जसप्रीत सिंह जी, ये मेरे यंगर ब्रदर हैं, तो प्रभजोत सिंह अभी आ रहे हैं, वो भी मेरे बेटे हैं, वो भी देखते हैं इस काम को। तो हमारा एक फैमिली बिजनेस है, क्योंकि अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको एक टीम तैयार करनी पड़ती है, जिसमें प्रोडक्शन वाला भी होना चाहिए, सेल्स का भी होना चाहिए, R&D भी देखनी है। तो इसके लिए हमारा एक अच्छा एक सेटअप है। हम सारे मिल के हमने अलग अलग एक डिपार्टमेंट जो सा है सबका, वो अपना अपना काम देखते हैं, कि ताकि जो हमारा कस्टमर है उसको किसी तरह की प्रॉब्लम ना आ सके, ना सर्विस में और ना जो प्रोडक्ट हम बना के दे रहे हैं उसमें आ सके। तो बाकी रही बजट की बात अगर करें, तो इसमें हमारे पास ना कई मॉडल हैं। अच्छा। इसमें एक बेसिक मॉडल भी है हमारे पास, बेसिक मॉडल के बाद एक सेकेंड मॉडल है, फिर उसके बाद जैसे ये 150 मीटर पर मिनट का मॉडल है, इसके बाद 200 का भी है, 250 का भी है, और फिर बात करते हैं तो साइजेस भी आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया 500 mm से लेके विड्थ 2000 mm तक बनाते हैं। तो इसमें क्या है, कस्टमाइज होता है ये ऑर्डर। किसी कस्टमर को 800 mm का चाहिए, किसी को 1000 mm का चाहिए, जैसे ये मशीन 1200 mm की है। तो बजट जो सा डिपेंड उस पर करता है। अच्छा। तो जैसे भी आप अगर ये वीडियो अपलोड करते हैं तो किसी भी कस्टमर को कितने कलर्स की रिक्वायरमेंट है, किस साइज भी चाहिए और कौन सा मॉडल चाहिए। अच्छा। तो उस तरह से हम उनको बता सकते हैं। इंडिया में कहाँ कहाँ इंस्टॉल किए हैं और एक्सपोर्ट में आप कैसे हैं? देखो इंडिया में अगर बात करें, जैसे मैं बार बार आपको बताया कि हमें लास्ट 50 ईयर्स हो गए हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि शायद ही कोई ऐसी स्टेट हो जहाँ पर हमने मशीन सप्लाई ना किया हो। ऑल ओवर इंडिया हमने सप्लाई की हुई है मशीनें। तो अगर एक्सपोर्ट की बात करें, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारा ये फैमिली बिजनेस है, तो एक्सपोर्ट जो सर मेरा बेटा प्रभजोत सिंह है ये देखते हैं, तो एक्सपोर्ट के बारे में ज़्यादा आपको ये बताएंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट पूरा ये ही हैंडल करते हैं। तो ये आपको ज़्यादा अच्छी तरह कंट्रीज भी बता पाएंगे और भी जो आप पूछेंगे वो बता सकेंगे प्रभजोत सिंह। हाँ जी, हमने जो अभी तक एक्सपोर्ट किया, अगर आप अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में हमने साउथ अफ्रीका में, तंजानिया में, युगांडा, मोजाम्बिक, आर्मेनिया, सियरा लियोनी, यहाँ पे हमने अफ्रीका में करा है। फिर उसके बाद हम मिडल ईस्ट की बात करें तो दुबई हमारी मशीन्स हैं, UAE में, ओमान में हैं, कतर में हैं हमारी मशीन्स, रशिया में हैं, सऊदी अरेबिया में हैं, पेरू में, साउथ अमेरिका में हमारी मशीन्स हैं। बाकी न्यू कंट्रीज़ और ऐड होती रहती हैं, जैसे श्रीलंका में मशीन्स हैं हमारी, नेपाल में हैं, बांग्लादेश में हैं, हंगरी में, यूरोप में हमारी मशीन्स हैं, जर्मनी में हैं। मतलब ये है कि सर आप इंडियन मार्केट में तो हो, बट आप एक्सपोर्ट भी दबा के कर रहे हो, हर कंट्री में कवर कर रहे हो, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। ड्यू टू कि हम इतना काफ़ी पुरानी कंपनी है, 50 ईयर्स हमारी मैन्युफैक्चरिंग को हो गए हैं, तो कस्टमर वाले पर ट्रस्ट करता है। आप बिलीव करोगे कि 99% कस्टमर जो हमारे एक्सपोर्ट के होते हैं वो हमारे पास विजिट भी नहीं करते, ओनली बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट एंड द क्वालिटी वी मेक। वो हम इतनी बड़ी एक्सपोर्ट की मार्केट कवर कर रहे हैं अपने ऑफिस में बैठ के, 99% कस्टमर हमारे पास विजिट भी नहीं करते। अच्छा। तो ये हमारी कंपनी की रेपुटेशन है जो मार्केट में है। चलिए, थैंक यू सर बात करने के लिए, धन्यवाद। और आपने काफी अच्छे तरीके से
कंपनी के बारे में एंड प्रोडक्ट के बारे में समझाया, और आप देश की भी हेल्प कर रहे हो और हमारे लोगों की भी हेल्प कर रहे हो, इसके लिए वंस अगेन थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो दोस्तों ये था रोटोग्रेवियर मशीन, जहां पर आप काफ़ी तरीके के मटेरियल्स को प्रिंट कर सकते हैं और अपना बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। आपने हर डिटेल्स मशीन्स के बारे में देखा और किस तरह से आप बिजनेस कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, एवरीथिंग के बारे में आपने डिटेल से देखा। और जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होगा और जो भी एड्रेस होगा मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, स्क्रीन पे डाल दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इस तरह की वीडियोज देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपके लिए और नए नए जो भी मशीनरीज है उनकी वीडियोज़ के लिए हम काफ़ी सारे फैक्ट्री विजिट करते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और नया बिजनेस आपको शुरू करना है या किसी भी मशीन्स के बारे में आपको जानकारी लेना है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, हम आपकी जो भी कमेंट है उनको फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।